बिहार में तो कोई है ही नहीं, एरिया कितना कम, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में किसे नंबर पर, अब पता नहीं कल दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है, इसीलिए इसका कारण क्या है, कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएगी तभी जाकर के ये प्रश्न दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं जिन बातों की चर्चा करते हैं, ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था, और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है, तो पति पत्नी में अगर पति मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2, और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पति मैट्रिक पास है तो यहां भी निचला प्रजनन दर 2। अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई, और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7, और बिहार में अगर पति पत्नी में पति इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा दें और सब लोग पढ़ेगी तभी अब प्रजनन दर नीचे जाएगा। अब आजकल देख रहे हैं कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि साहब नियमित करिए, एक परिवार में 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। हम तो इसका विरोध करते, सब बोगस चीज है, ये तो बोगस चीज है। अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो अपने आप को प्रजनन दर नीचे जाएगा। किसी को करने का मतलब होता है, लेकिन तो ऐसे ही करते रहते। अब हम लोग क्या, जान लीजिए जब महिलाओं को पढ़ा रहे तो क्या हो गया, 4.3 से घटते 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 अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। अब ये पूरा काम जो कर रहे हैं बढ़ेगा तो हम लोग तो बिहार में 4-5 साल के अंदर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। कई लोग तो कोई पॉलिसी नहीं बनाते, कौन सी पॉलिसी बनाते, आप देश के उत्थान की खूब चर्चा करते कि बड़ा भारी हम लोग के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए, अर्थात देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं, जहां पैदा हुए वो पहले से आगे, वास कर रही अंग्रेजों के जमाने से आगे है, उसी समय से आगे, और आप बात कर रहे हैं और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते, कोई मदद नहीं उन पर की, लेकिन तब भी हम पढ़ा रहे हैं। आप देख